हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा कोचिंग क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स, क्लास 6 साइंस का। मैंने बच्चों अभी तक आपको क्लास 6 के ही मैंने 6 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें मैं आपको प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। बच्चों देखो, प्लांट्स आर यूजली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स। प्लांट्स के क्या है, देखो, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। फ्रॉम द वेयर डज अ प्लांट कम, ये आपके क्या होते हैं, इतने टाइप के आपके क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अब बच्चों देखो, पहली बात आपको ये बताओ प्लांट कहाँ से आते हैं। इसने पूछा है कि प्लांट, वेयर डज अ प्लांट कम, प्लांट कहाँ से आते हैं। तो देखो, अ प्लांट कम्स फ्रॉम अ सीड। प्लांट कहाँ से आते हैं, सीड से आते हैं। अ सीड इज कवर्ड विद अ सीड कोट। अ सीड आपका किससे कवर्ड होता है, सीड कोट से होता है। द सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड। सीड कोट क्या करता है, हमारी सीड को बचाता है, मीन्स उसको प्रोटेक्ट करता है। द बेबी प्लांट अ टीनी रूट्स टुवर्ड्स द आउटर सीड। बेबी प्लांट्स टीनी रूट टुवर्ड्स द आउटर सीड, आउटर सीड के बाहर। द टीनी रूट रेडिकल, और ये आपका क्या होता है, रेडिकल होता है। द बेबी प्लांट्स हैज अ टीनी शूट टुवर्ड्स द इनर साइड। द टीनी शूट इज टर्म्ड एज अ ब्लूम। देखो बच्चों, सीड होता है, सीड को जब हम लगाते हैं किसी भी गमले में लगा लीजिए, जब हम सीड को लगाते हैं, जब हम उसमें वाटर देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, धीरे धीरे उसको जर्मिनेट हो जाता है। जब आपका वो जर्मिनेट हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, वो प्लांट बन जाता है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द ग्रोथ हर्ब्स। अब इसका क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे, हर्ब्स। अब देखो, हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं, हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टोन्स। इसके क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होता है, ग्रीन होता है, और उसके स्टेम्स क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, जैसे कि राइस, वीट और एटसेट्रा। ये आपके क्या हो गए, हर्ब्स हो गए। श्रब्स, दे आर बशी एंड हैव हार्ड स्टेम्स दैट डू नॉट टेंड बैंड इजिली। लेमन और चाइना रोज, ये क्या होते हैं, बहुत ही बशी स्टेम्स होते हैं और हार्ड स्टेम्स होते हैं, और ये बहुत ही इजिली बैंड नहीं होते, जैसे आपका लेमन का पेड़ हो गया और आपका चाइना रोज। अब अच्छा देखते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, दीज आर बिग प्लांट्स विच हैव अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। वो क्या होते हैं, बड़े प्लांट, बड़ा प्लांट होता है, उसके लंबा भी होता है और मजबूत भी होता है। स्टेम, ट्रंक, स्टेम्स हैव अ ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड लीव फॉर मेनी ईयर्स। देखो, वो काफी लंबे समय तक चलता है, जैसे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बनियान का पेड़ है और बनियान ट्रीज। तो मैंगो, नीम और बनियान ट्रीज, ये आपके क्या हो गए, ट्रीज के एग्जाम्पल हो गए। अब बच्चों आपका है क्लाइंबर्स, वीक स्टेम्स एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। ये क्या होते हैं, इसके स्टेम्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। क्रीपर्स, प्लांट्स विच क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड आउट। वो प्लांट्स जो क्या होते हैं, ग्राउंड के ऊपर ही पूरा फैल जाता है, रेंगने वाले प्लांट्स, जैसे पम्पकिन का, वाटरमेलन का, ये सब आपके क्या हो गए, क्रीपर्स में आ गए। अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में अभी आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब देखो, एनुअल्स, एनुअल्स में क्या होता है, एक ही सीजन में उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। प्लांट्स होस्ट लाइफ साइकिल्स आर इज कंप्लीटेड इन वन सीजन। ये क्या होता है, एक ही सीजन में वो कंप्लीट हो जाता है। दीस आर जनरली हर्ब्स, एग्जाम्पल वीट एंड मस्टर्ड, जैसे वीट हुआ और आपका मस्टर्ड होता है। बेनिन्स, प्लांट्स होस्ट लाइफ साइकिल रिक्वायर टू सीजन। इसमें क्या होता है, दो सीजन में वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, एग्जाम्पल कैरेट और रेडिश। आपका है परनियल्स, परनियल्स में देखो, प्लांट्स मोस्ट लाइफ साइकिल रिक्वायर इन टू सीजन फॉर कॉम्प्लीशन, एग्जाम्पल गुआवा, बबूल एंड पाम ट्री। इसमें भी क्या होता है, दो सीजन लगता है उसको कंप्लीट करने में। अब आपका जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ प्लांट में बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट आपका है रूट सिस्टम, तो अभी मैं आपको रूट सिस्टम पढ़ा रही हूँ। द रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक अप द रूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट। जो उसका रूट होता है और जो उसके ब्रांचेस होते हैं वो किससे बनते हैं, रूट सिस्टम, और वो रूट सिस्टम किसका होता है, प्लांट का होता है। अब रूट इज द अंडरग्राउंड आर्ट ऑफ ए प्लांट की बॉडी। देखो रूट क्या होता है, अंडरग्राउंड प्लांट होता है, किसका,
बॉडी ऑफ द प्लांट होता है। रूट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट, बच्चों आज मैंने आपको यहीं पे इसको कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट को डिटेल में बताऊंगी।